पुतिन का डरूंगा, बुद्धि में तो पुतिन को देड़ना है। सीट तो ना खुश होऊंगा इसमें सर, क्योंकि राम राम मिसारन है, क्या हाल चाल, आप आ गए भाई, अपने अपनी घुमाई चालू हो गई है फिर तो यार सुबह सुबह 9 बजे की फ्लाइट अपनी पहली। हम जा रहे हैं मॉन्ट्रियल, करेंटली हमारा प्लेन लग चुका है, बोर्डिंग ऑलमोस्ट फिनिश एंड क्या, थैंक यू लास्ट वन ऑफ द लास्ट एंड यप। तो कुल मिला के 5 घंटे की फ्लाइट है भाई अपनी, ये पहली मॉन्ट्रियल लग गई, फिर अपना उड़ा ले और एक एंड वेट कर रहे हैं बाकी लोग भाई। तो हाँ, पहले मॉन्ट्रियल में ले हुआ 3 घंटे, देन उसके बाद हमारी 8-8.5 घंटे की एक और फ्लाइट आगे वो होगी वेनिस के लिए। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भाई जिसने नहीं करा हो, ताकि जब मैं फ्लाई करूँ तो उससे पहले मेरा लग जाए भाई, मैं कड़े उड़ारी लेन लाग रहा हूँ एक बार। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो भाई क्योंकि वीडियो दबा दबाऊँगी। तो जो कर देख सको भाई, हम मॉन्ट्रियल आ गए हो, ये मेरी सीट से मैं ओवर व्यू दे देता हूँ आपको जल्दी सा। तो स्पेस भाई जो चीज़ ध्यान देने वाली है मेन, तो भाई बात ही सीट भाई, सीट इसी लो की है जिस पर ने गुदड़ेला घेर दिया, ऐसे चुतड़ दुखे हैं भाई 5 घंटे ही में। और लैंडिंग भाई मक्खन 10/10 भाई, एक नंबर की बढ़िया लैंडिंग मारी इन भैया ने। वैसे ही हमारी अगली फ्लाइट में 2.5 घंटे का टाइम बचा हुआ है एंड हमें कह दिया गया उतर लो भाई, तब तू भी उतर ले। मैं दिखाता हूँ प्लेन कैसा है क्योंकि बंदे जा चुके हैं। ये मैंने जानबूझ के भाई पीछे ली थी और ऐसा है प्लेन, ये इकोनॉमी सेक्शन है भाई। दो घंटे के आसपास है नेक्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ करने में अपने। आवा बोलते हैं भाई। दो शब्द तबेरा हमने भी फ्रेंच के, बोंजूर अपना नाम जमा पैल अंकित और भाई और आवा जान ध्यान कह दे और मर्सी बक्कू अपना थैंक यू सो मच। अपना एक टास्क फिलहाल इतना है सिर्फ, ये बात है पहले पुतिन ढूंढते हैं भाई, पुतिन का डरूंगा बुद्धि में तो पुतिन को देड़ना है, तो पुतिन ढूंढते हैं पहले। ऐसा दिखता भाई पुतिन, तो पुतिन के बारे में बताऊं भाई, तो यो इसमें बेसिकली फ्रेंच फ्राइज, फ्रेश चीज कर्ड्स और उसके ऊपर हो ग्रेवी अपनी। ग्रेवी डिपेंड करती है भाई रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, कहीं बीफ ग्रेवी हो, चिकन भी हो, वेजी, तो ये बोले वेजी है पर मैंने इसमें चिकन ऐड करा दिया नारे प्रोटीन खातर थोड़ा सा। एंड यो है भाई, तो मॉन्ट्रियल तो चालू है पुतिन, और यो कैनेडा की डिश है भाई, ऑथेंटिक जो डिश कह सकते हैं भाई कैनेडा ने बनाई है, तो यह चीज़ है। तो भाई मॉन्ट्रियल आओ और इसने ना खाओ तो फिर अधूरा काम सा लगा मैंने। तो देखते हैं भाई किसा टेस्ट है। पाछे मैं पिछली बार जब मॉन्ट्रियल आया था तो मैं गया था भाई ला बैंकीज, जो कि जितने मतलब जिस दुकान से चालू हुआ, अगर तुमने वह वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगा साइड में, तो देख लियो होगा। मेरा लग रहा है भाई मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर तो बहुत भीड़ हो रही है पर हाँ भाई मॉन्ट्रियल के भाई बहुत ज़्यादा बेटर कनेक्शंस है यूरोप के साथ, तो भाई मतलब वाइब भी भाई डेफिनेटली मच बेटर लगी, खासकर वैनकोर वाले एयरपोर्ट पे। तो वैनकोर वाला तो भाई जमा खाली पड़ा रहा है, अगर कति खाली सुनसान रहा हो तो बेटी चौथ का वो भी नहीं होता कुछ भी, जमा डेड फीलिंग है उसकी तो। पर हाँ मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट की यह जरूर लगी भाई वाई भाई इनकी वाई भाई एयरपोर्ट पर कि हाँ भाई एयरपोर्ट है, वो थोड़ा सा मतलब भीड़ भड़ाका भी है, फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, सबके लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वैनकोर वाला डेड कुछ नहीं उड़ा खाली जमा डेड। तो बस भाई मैं अपने गेट का लग जाना आ गया हूँ, टाइम तो रह रहा है भी 1 घंटा रह रहा है बोर्डिंग चालू होने में, बस आराम से जाकर बैठ जाते हैं, और आखिरी में जाकर बैठ जाओगे और बस फिर पहुँचते हैं भैया वेनिस।
बोर्डिंग ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो चुकी है, तो हम बढ़ रहे हैं अपने गेट का ने बस इसी लाइन में लग गया अभी। तो बताओ भाई तुमने की लग गया मेन पे वाला एयरपोर्ट भी आया है नहीं बढ़िया। मैं अपना बोर्डिंग पास रो अड जा मगरमच्छ खड़ा है भाई उस साइड ऑलमोस्ट 8 घंटे की है भाई। सुबह हम 10 बजे लैंड कर लेंगे और 12:30 बजे हमने अपनी गाड़ी उठानी है। 2.5 घंटे का टाइम होगा अपने दौरे इसमें गाड़ी पिक करने में, और तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये क्योंकि उड़ा तो क्लियर हो जाए सबके लाइन जल्दी मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा मेरा, मतलब 1-2 हफ्ता हो गया पहुँचे। तड़के वाली फ्लाइट तो भाई थी फुल पूरी, इसका देखो कितनी खाली है कि पटियो छोटा प्लेन भी उससे छोटा ही प्लेन है। यो आगे भाई अपनी सीट पे, और इस बार मैंने तो आगे की ले ली थोड़ी बीच ही में कति जमा बाथरूम का साइड में, और मेरी सीट में खाली है तो देखते हैं भाई बोर्डिंग अगर बंद हो कोई ना हो तो मज़ा आ जाएगा। सीट है बढ़िया है उन्हें चौड़ा हुआ चलना है। तो ये भाई एयरबस 330 वो था बोइंग 777, तो वो काफ़ी बड़ा प्लेन था ये छोटा सा प्लेन, तो इसमें सीटिंग अलग है, इसमें 2 हैं उसमें 3-4 थी तो कैपेसिटी कम है सिंपल बात सीट आई तो बढ़िया इसमें। तो देखते हैं भाई कैसा सफ़र है, तो बट हाँ सीट के भाई मैं कहूँगा कनाडा की भाई सीट ख़राब लगा मैंने, इसकी मे भी थोड़ी बहुत डिफरेंट है बट है सेम सिस्टम, मतलब सेम वो कुशन सा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी भाई इंग्लिश देख लेते हैं एक बार कैसी क्या लग रहा है। तो मूवीज मतलब होता रहेगा, बाकी ये भाई अपना खाना हमने इसमें मिल जाएगा क्योंकि 8-9 घंटे ही है, तो और मतलब वो एक डिनर मिलेगा क्योंकि शाम को टाइम हो रहा है, हो गए 7:30 हो गए हैं एग्जैक्ट 7:30 और 20 मिनट रह रही है तो देखते हैं। एंड भाई तो वहाँ खाना मिलेगा और एक स्नैक ब्रेकफास्ट टाइम मिल जाएगा क्योंकि सुबह 10 बजे लैंड होगी तो ब्रेकफास्ट दे देंगे सुबह, ऐसा कुछ प्लान है भैया। मील हमने अपनी इंडो वेज एशियन मील कर रखी है, मतलब मेरा मन नहीं था तो मैंने वो कर ली, देखते हैं मिलता क्या है। आई थिंक मैं सीट तो ना खुश होऊंगा इसमें सर क्योंकि भाई गोडे हाथ में मेरे स्पेस काफ़ी इनफ मिला बढ़िया, इसमें तो भाई तकिया भी दे रखा है। तो भाई हम खाना आ गया है, हमने एक वेज की रिक्वेस्ट करी थी तो वेज में हमें गैस पकड़ाया गया है, तो ये रिक्वेस्ट मील दे सकते हैं। तो ये एक मफिन है, ये वेज कोरमा लिखा है भाई, शक्ल मैंने भी नहीं देखी लगभग ग्राटर में सरे तो डाला है, ये कोन वगैरह है, ये एक ब्रेड है पानी दे दिया भाई लगते हैं। कोरमा की शक्ल दिखा देता हूँ मैं तुमने एक बार, चलो भाई फुल पैक्ड है भाई, ऊपर रैपर है भाई। नहीं भाई किसा पाव बट खुशखबरी है कि हमारी सीट खाली है, एंजॉय। वेल भाइयों सुबह हो गई है, ब्रेकफास्ट आ गया अपना भाई, इसमें एक ब्रेड है एक योगर्ट है और वो कॉफी है। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है फिलहाल, ऑलमोस्ट सनी दिख रहा पर भाई बता तो नहीं रहा कि है भाई बारिश होना वेरी बड़ा है वैनिस सुबह सुबह। तो हमारे पास अभी 1 घंटा और बचा हुआ है लैंड करने में, देखते हैं मौसम कैसा होगा सुबह चेक करते हैं ताकि भाई नींद ट्राई करी मैंने कोशिश पर वो है मैंने पूर्व में 12:10-11 बज रहे हैं तो मैंने ईद लटकाना गया तो मैं ऑलमोस्ट अभी 40 मिनट सोया था तो फिर इन लाइट ऑन कर दी सारी ब्रेकफास्ट के टाइम तो ये आप खुल गया तो ये भी मेरे रहे हैं 1 घंटा रह रहा है सोने का तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सो जाऊंगा। और फिर यार कॉफ़ी मंगा ली है, कॉफ़ी करवा ली साइड में, कॉफ़ी का शॉट मारा ये बढ़िया और जा कर बाहर लेना है। फिर वेदर क्लाउडी है भाई और हमारा प्लान आगे निकलने का यहाँ से तो देखते हैं भाई बारिश किस टाइम से शुरू होगी, फिलहाल तो हो नहीं रही पर हाँ बादल पूरे आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी अपना कस्टम और वो इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकलते हैं एंड आपको दिखाते हैं भाई आगे क्या सिस्टम है अपना।
बस देखते रहो, जुड़े रहो और सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो हमारे ठोक दो। यार कच्चे कच्चे मन चाह गया है मतलब मॉन्ट्रियल असल में बैग वो जो भाई मेन बैग था पहला अलाउड नहीं था मेरी टिकट पे के बैग था, तो बाद में क्यों इनके भाई भीड़ हो जाए सारे उसमें कैबिन मान ही सकते सबके, तो क्या कर दिया रहे कि जान दो तो मैंने भीतर दे दिया ले भाई। ओके तो ये सब चीज़ें हैं भैया। तो अब बस हम बैग उठाएंगे उसके बाद चेंज करेंगे। Is this for the old passport or just passport you have? Indeed. So you will proceed on the right. Passport, please. Yep, made it to the other side, man. और यस ऑफिशियली हम आठवीं कंट्री में आ चुके हैं, मोर लग चुके हैं और अब हम अपने बैग उठाने वाले हैं भाई। बैग लगे हुए हैं, बस बैग उठा के निकलते हैं बाहर और मौज लो रोज लो। ये वीडियो इतनी है, आगे वाली वीडियो का इंतज़ार करो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।